देखे ये ट्रेजरी बेंचेस के लोग क्या बीमारी है, मतलब इनके एजेंडे को जब मैं एक्सपोज करने खड़ा होता हूं तभी जो है शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अगर मैं कहूं, अगर मैं ये कह दूं तो बात बहुत हल्की हो जाएगी। नहीं, नहीं, आपकी साजिश, ये कह रहे ईवीएम के माध्यम से जीत क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी छोटी बीच बीच में एक एक जगह जिताते रहो बताते रहो और असली जो है मलाई काटने का जब मौका आए तो आप आते रहो। अभी आप देख रहे हैं पिछले दो दिन से जिस तरीके से मीडिया में चल रहा है, गुजरात का रिजल्ट आने के बाद कल से कैसा मीडिया में चल रहा है कि पूरा एक पार्टी ने स्वीप कर दिया पूरे देश में, जैसे कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, कोई नेता है ही नहीं। अरे तीन जगह आपकी सरकारें थी, गुजरात में भी आपकी सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में भी आपकी सरकार थी और दिल्ली कॉरपोरेशन में भी आपकी सरकार थी। दो जगह आप हारे, एक जगह आप जीते, लेकिन नैरेटिव ऐसा आप बना रहे हैं कि देश में विपक्ष बचा ही नहीं है। ईवीएम्स को, मशीन को रद्द करके वापस बैलेट पेपर पे ही चुनाव कराए जा रहे हैं और जनता का विश्वास क्योंकि उठ रहा है बार बार ईवीएम्स के जरिए से जो चुनाव होते हैं उस पर कहीं ना कहीं शक हो रहा है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट करने की बहुत ही आवश्यकता है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया जो हमारे माननीय सदस्य गोपाल शेट्टी जी ने यहाँ रखा है, इत्तफाक से आज ही आपने मुझे अनुमति दी कि मैंने भी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया है जो ईवीएम से जो चुनाव होता है उसको बदल करके वापस बैलेट से चुनाव कराया जाए। ये मैंने आज ही, आपने मुझे अनुमति दी बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए। सभापति महोदय, आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, उसी डिजिटल वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं जहां पर ज्यादा डिजिटाइजेशन है, हमसे ज्यादा आगे हैं, विकसित देश हैं, उन सब ने ईवीएम्स को, मशीन को रद्द करके वापस बैलेट पेपर पे ही चुनाव कराए जा रहे हैं और जनता का विश्वास क्योंकि उठ रहा है बार बार ईवीएम्स के जरिए से जो चुनाव होते हैं उस पर कहीं ना कहीं शक हो रहा है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट करने की बहुत ही आवश्यकता है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमारा देश मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। जो संविधान के निर्माता थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनके साथी बड़ी सोच समझ के हमने ये संसदीय प्रणाली उन लोगों ने इस देश को दी है। अब मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में क्या होगा, अभी आप देख रहे हैं पिछले दो दिन से जिस तरीके से मीडिया में चल रहा है, गुजरात का रिजल्ट आने के बाद कल से कैसा मीडिया में चल रहा है कि पूरा एक पार्टी ने स्वीप कर दिया पूरे देश में, जैसे कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, कोई नेता है ही नहीं। अरे तीन जगह आपकी सरकारें थी, गुजरात में भी आपकी सरकार थी, हिमाचल प्रदेश में भी आपकी सरकार थी और दिल्ली कॉरपोरेशन में भी आपकी सरकार थी। दो जगह आप हारे, एक जगह आप जीते, लेकिन नैरेटिव ऐसा आप बना रहे हैं कि देश में विपक्ष बचा ही नहीं है। तो ये जो है, मैं कहना चाहता हूं आपसे सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आप जो है, देखे ये ट्रेजरी बेंचेस के लोग क्या बीमारी है, मतलब इनके एजेंडे को जब मैं एक्सपोज करने खड़ा होता हूं तभी जो है शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अब क्या करें सभापति महोदय, मैं ये आपसे, अगर मैं ये कह दूं तो बात बहुत हल्की हो जाएगी। नहीं, आपकी साजिश, ये कह रहे ईवीएम के माध्यम से जीत क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटी छोटी बीच बीच में एक एक जगह जिताते रहो बताते रहो और असली जो है मलाई काटने का जब मौका आए तो आप आते रहो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभापति, अब क्या अपने विषय पर करिए, चेयर की तरफ ध्यान दीजिए। मैं तो चेयर को एड्रेस कर रहा हूँ, लगातार चेयर को एड्रेस कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, ये सभापति महोदय, मैं आपसे, आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए जो जो चुनाव सुधार का कार्यक्रम,
वो होना चाहिए। अब क्या हमने देखा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के माध्यम से भाई, इलेक्ट्रोल बॉन्ड सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में चुनाव के अंदर अगर कोई है, कोई चीज है, तो वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के माध्यम से है सभापति महोदय, कि इस पार्टी को कितना चंदा कॉरपोरेट हाउसेस देते हैं, कितना चंदा इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के माध्यम से मिलता है, कितना चंदा मिलता है। ये चोरी का रास्ता हमने यहां से निकाल करके दे दिया। सबसे पहले अगर चुनाव सुधार पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए, और देखिए बड़े फाइनेंस बिल के माध्यम से लाए थे आपकी सरकार इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को, कमाल है। आप चुनाव सुधार की बात नहीं कर रहे, आप जो है कह रहे हो वन पार्टी रूल देश में रहे, इसलिए इस तरीके का बिल। और सभापति महोदय मैं तो आपसे और कहना चाहूंगा, सभापति महोदय जल्दी, मैं यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी इस देश में है, और राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए अगर आप इतनी कंडीशंस आप लगा रहे हैं, अच्छा कौन सा फर्क पड़ जाता है राष्ट्रीय पार्टी बनने से? अगर मल्टी पार्टी नहीं होती, गुजरात में दो पार्टी नहीं लड़ती, तो आज आप ये जश्न नहीं मना रहे होते। मैं वही कह रहा हूं, आज आप ये जश्न नहीं मना रहे होते। और राष्ट्रीय पार्टी का मतलब तो खाली एक सिंबल जो है वो रिजर्व हो जाता है। जो निर्दलीय लड़ते हैं, अब ये गृह राज्य मंत्री हैं, विपक्ष ने कितनी बार मांग करी, हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, मैं वही तो कह रहा हूं। आप अपनी बात बोलिए, इंडिविजुअल मेंबर को डिस्टर्ब करने खड़े हो, मतलब सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरा कहने का मतलब यही है कि चुनाव के अंदर चुनाव सुधार होना चाहिए, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, लेकिन जिस तरीके की कंडीशंस का मैं वो बात मैं कहना चाह रहा था कि आप तो सरकार हैं, आपकी सरकार है, ब्रूट मेजोरिटी के साथ यहां सरकार है, डेफिनेटली इंडिविजुअल मेंबर्स का अधिकार होता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं तो सरकार भी ला सकती है। आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आज एक बहुत बहुत अच्छी बात आज एक सदन में यह भी हुई कि एक और बिल आया, प्राइवेट मेंबर बिल, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे ऐसे साथी ने इंट्रोड्यूस किया जिसके खुद चार बच्चे, और वो कह रहा नहीं एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और रूलिंग पार्टी का है, बीजेपी का है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं लंबी बात नहीं करना चाह रहा, मैं यही कह रहा हूं कि नैरेटिव सेट करने के लिए आप इस तरीके, नाउ प्लीज कंटिन्यू। मैं सभापति महोदय मैं यही कहूंगा कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन चुनाव सुधार के जो बड़े कार्यक्रम हैं, ठीक, उसको मेरी आपके माध्यम से सरकार से ये अपील है कि सरकार बिल लाए, एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाए जिसमें चुनाव सुधार का कार्यक्रम हो। ये जो है वन पार्टी रूल का जो सपना ये देख रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने जो आजादी दिलाई, जो ये संविधान बनाया, उसको लगातार डिस्ट्रॉय करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात, मिलिट टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।